नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट ग्रिड, सबस्टेशन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन में आज जानते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की 11 KV की हाई टेंशन लाइन्स में जो पोस्ट इंसुलेटर हम पिन इंसुलेटर या स्ट्रेन इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं उनकी कॉन्फिग्रेशन और एप्लीकेशंस क्या है। ये सभी पिन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर पोर्सेलिन बनाए जाते हैं, तो आज हम ये भी जानते हैं कि पोर्सेलिन की कंपोजिशन और प्रोसेसिंग किस प्रकार की जाती है। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन सुटेबल लोकेशन पर जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें बल्क अमाउंट में होता है। अक्सर जनरेशन के समय इलेक्ट्रिक पावर की वोल्टेज 11 KV या 33 KV रहती है, लेकिन इस बल्क इलेक्ट्रिक पावर को दूर जो लोड सेंटर्स हैं वहां तक भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन की इकोनॉमी और एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम जनरेशन वोल्टेज के लेवल को ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करके प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज के लेवल पे ले आते हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा अगर 3-phase AC की कहें तो लाइन टू लाइन 765 KV है और उससे नीचे के लेवल 400 KV, 220 KV और 132 KV प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज लेवल है। जब हम ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिक पावर का वोल्टेज स्टेप अप करते हैं तो सेम पावर के लिए लाइन में करंट कम हो जाता है। इससे ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर साइज छोटा होने से टावर और दूसरे स्ट्रक्चर की कॉस्ट कम हो जाती है। ट्रांसमिशन की इंक्रीज्ड वोल्टेज से लाइन में इम्पीडेंस में जो ओमिक कॉपर लॉस होते हैं और वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में वोल्टेज का लेवल बढ़ने से ट्रांसमिशन लाइन के कंपोनेंट्स हैं, स्विच गियर्स, कंट्रोल और प्रोटेक्शन के कंपोनेंट्स हैं, इनकी लागतें बढ़ जाती है। जो टर्मिनल इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो महंगे हो जाते हैं। हायर वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए। टावर की हाइट, इंटरकंडक्टर स्पेसिंग ज्यादा होने से नीचे राइट ऑफ वे की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हो जाती हैं। तो कुछ कॉस्ट कंपोनेंट वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ते भी हैं। एक पुराना नियम है, जितनी हमारी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ ज्यादा होगी या पावर जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो पर फेज ज्यादा होगी, उतनी हमें ट्रांसमिशन सिस्टम की वोल्टेज को ज्यादा लेना चाहिए। अगर इस रिलेशन में हम लेंथ को देखें तो ये ट्रांसमिशन डिस्टेंस है किलोमीटर में और ये 3P तीनों फेज की टोटल पावर है किलोवाट में और ये हमारी मोस्ट ऑप्टिमम वोल्टेज है जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट को कम करेगी। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम था, पावर की अमाउंट जो ट्रांसफर हो रही थी वो कम हो रही थी, तो सारा डिसीजन जो ट्रांसमिशन वोल्टेज का था वो लेंथ से होता था। लेकिन इन दिनों बहुत कम डिस्टेंस पे भी हम बहुत बल्क पावर का ट्रांसफर करते हैं तो ये वोल्टेज इस रिलेशन के हिसाब से लेंथ कम होने के बावजूद भी पावर लेवल ज्यादा होने से ज्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज की डिमांड करती है। जो बल्क पावर ट्रांसमिट हुई है वो अलग अलग लोड सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस में जब डिस्टेंसेस बहुत कम रह जाते हैं, 5 किलोमीटर से भी कम, और जो पावर इन्वॉल्व है वो भी बहुत कम रह जाती है, 1 MW से भी कम, 100 KW, 500 KW ऐसी, तो ये जो फॉर्मूला है वो मोस्ट ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन की वोल्टेज 11 केवी को रिकमेंड करता है। हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जो 132 केवी वोल्टेज लेवल पे जो पावर अवेलेबल होती है उसे हम स्टेप डाउन करके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 33 केवी पर बना लेते हैं और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जो 33 केवी वोल्टेज है उसे सबस्टेशंस पे हम स्टेप डाउन करके 11 केवी पे ट्रांसफार्मर की मदद से बदल लेते हैं और वो 11 केवी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सबस्टेशन से 3 तारों की मदद से अलग अलग लोड सेंटर्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फीडर की जैसे इस्तेमाल होती है और बाद में इन फीडर्स का कनेक्शन कुछ ऐसे पोल माउंटेड सबस्टेशंस जहां एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11 केवी को 415 वोल्ट पे बदल देता है वहां पहुंच जाती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की 11 केवी की ओवरहेड HT लाइन में ये तीनों लाइव कंडक्टर्स हैं, वो पोल स्ट्रक्चर पे पिन इंसुलेटर से सपोर्टेड होते हैं और ये जो पोल स्ट्रक्चर है वो स्टील के ट्यूबुलर रेल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट के पोल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो थ्री फेज पावर है उसे आगे भेजने के लिए एक सिंगल सर्किट पावर लाइन में केवल 3 वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो चौथा न्यूट्रल वायर है वो नहीं होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम 415 वोल्ट पे थ्री फेज सप्लाई या 230 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ 3 लाइनों के साथ साथ एक न्यूट्रल वायर भी आता है, लेकिन 11 केवी की हमारी लाइन यहाँ पोल माउंटेड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के सबस्टेशन पे 3 तारों से HT वाइंडिंग को मिलती है और LT में जो स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी होती है उसके स्टार पॉइंट को हम ग्राउंड अर्थ कर देते हैं और अर्थ न्यूट्रल है वही हमारे लिए आगे की सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की चौथा न्यूट्रल वायर बन जाता है। 11 केवी HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ट्रांसफॉर्मर की HT साइड में बुशिंग से कनेक्ट हो जाती है और LT जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के कनेक्शंस हैं उसमें ये जो चौथा स्टार पॉइंट है इसे हम 2 अलग अलग अर्थ प्लेट से ग्राउंड कर देते हैं और हमारी आगे की लाइन में ये तीनों लाइन तार, ये चौथा न्यूट्रल तार, थ्री फेज की 4 वायर सप्लाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बन जाती है। 11 केवी लाइन वोल्टेज की HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन थ्री फेज में 3 वायर सिस्टम से जब पावर को कैरी करती है तो लाइन को हम RCC या प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट या फिर स्टील के ट्यूबुलर या रेल पोल्स के ऊपर सपोर्ट करते हैं और इन पोल सपोर्ट्स की हाइट 8 मीटर या 9 मीटर कॉमन है। स्पेशल केसेस में हम जब लंबे स्पान या क्रॉसिंग मैनेज करनी होती है तो 11 मीटर हाइट के भी पोल का इस्तेमाल करते हैं। पोल टॉप से लगभग 2 फीट 600 mm नीचे एक पोल ब्रैकेट की मदद से हम एक क्रॉस्ड माइल्ड स्टील का फ्लैट चैनल या एंगल आयरन पीस को कनेक्ट करते हैं ताकि हम सपोर्टेड कंडक्टर जिन्हें हम इंसुलेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं उनमें आपस में दूरियां और पोल स्ट्रक्चर से कंडक्टर की दूरियां मेंटेन की जा सके। क्रॉसआर्म्स और पोल सपोर्ट पे पक्षी वगैरह ना बैठे बर्डकेज रोकने के लिए HT लाइंस पे वी शेप की क्रॉसआर्म्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल कंडीशंस में जब हम डिस्क टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो माइल्ड स्टील की फ्लैट चैनल क्रॉसआर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो क्रॉसआर्म्स का क्रॉस सेक्शन है वो 100 mm by 50 mm एल सेक्शन हो सकता है जिसकी थिकनेस 5 mm हो सकती है 1.5 मीटर लंबाई के साथ या 2.1 मीटर लेंथ के साथ जब हम स्ट्रेन इंसुलेटर लगाते हैं तो MS चैनल फ्लैट का इस्तेमाल करते हैं। एंगल सेक्शन की डायमेंशन 125 mm by 50 mm हो सकती है और मोटाई 6 mm हो सकती है। जब हम वी क्रॉस आर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो एंगल 100 mm by 50 mm 5 mm थिकनेस के साथ हो सकती है और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 1 मीटर और 7 सेंटीमीटर 1070 mm रखा जाता है। क्रॉस आर्म्स की डिजाइन और माउंटिंग इस तरह से रखी जाती है कि जब कंडक्टर और इंसुलेशन इसके ऊपर रखे जाते हैं तो उनका जो वेट का फोर्स है वो क्रॉस आर्म्स पर आए न कि पोल ब्रैकेट पे। हाई टेंशन 11 केवी लाइन वोल्टेज की सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन पर जब पोल सपोर्ट पे लगी हुई क्रॉस आर्म्स पर कंडक्टर को प्लेस किया जाता है तो कंडक्टर और क्रॉस आर्म्स के बीच में हम पिन इंसुलेटर या डिस्क टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और ये सभी इंसुलेटर आमतौर पे पोर्सलिन से बनाए जाते हैं। जरा पोर्सलिन की कंपोजिशन को समझते हैं। जो रॉ मटेरियल हम पोर्सलिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें 24% फेल्सपार, 30% कॉयलिन जिसे हम चाइना क्ले भी कहते हैं, 10% बाल क्ले का इस्तेमाल करते हैं और 26% फ्लिंट क्वार्ट्ज की अमाउंट है, बचा हुआ हिस्सा सिलिका का हो सकता है। पोर्सलिन बनाने के लिए क्ले, कॉयलिन, फेल्सपार्स और क्वार्ट्स के मिक्सचर को कंट्रोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस में फायरिंग की जाती है और विट्रीफिकेशन से पोर्सलिन इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं। इन इंसुलेटर की आउटर सरफेस को हम ग्लेज करते हैं ताकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो जाए, इस पे मॉइस्चर और वाटर डिपोजिशंस ना टिके और इसका सरफेस स्मूथ और शाइनी हो जाए। पोर्सलिन कंपोजाइट्स में कॉयलिन चाइना क्ले है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है मिक्सचर में जिससे हमें शेप देने के प्रोसेस में सुविधा मिलती है। फेल्सपार का इस्तेमाल एक फ्लक्स के तौर पे किया जाता है, इससे हमारा विट्रीफिकेशन का टेम्परेचर कम हो जाता है। विट्रीफिकेशन वो कंडीशंस है जिसमें ये सिरेमिक मटेरियल्स एक ग्लास
फॉर्मेशंस कर लेते हैं और जो ग्लास फ्लूड है उसमें विट्रिफिकेशन के दौरान जो अलग अलग मटेरियल के ग्रेन्स हैं वो आपस में माइंड हो जाते हैं। पोर्सलिन में ऐड किया हुआ क्वार्ट्स रिफ्रैक्टरी क्रिस्टलाइन फेज प्रोवाइड करता है, वो ढांचा कंट्रीब्यूट करता है जिससे हमारी इंसुलेटर बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है। सिलिका का इस्तेमाल हम फिलर मटेरियल के तौर पे करते हैं जिससे हमारी फॉर्मिंग और फायरिंग कन्वीनियंट हो जाती है। एंड प्रोडक्ट में जो पोर्सलिन है उसमें डायलेक्टिक स्ट्रेंथ भी सिलिका एडिशन से इम्प्रूव होती है। समझते हैं पोर्सलिन इंसुलेटर बनाने की जो प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो क्या हैं। जो सभी प्रकार के रॉ मटेरियल हैं क्ले फेल्सपार सिलिका क्वार्ट्स इनकी डिजायर्ड वजन की हुई अमाउंट को अलग अलग क्रश किया जाता है डिजायर्ड साइज में और उनका फाइन पाउडर बनाते समय हम जो क्रशर्स हेमर्स और कई तरह के बाउल मिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम कुछ स्क्रीन और शीव्स जालियां और छलनियों से गुजारते हैं ताकि बड़े आकार के और छोटे आकार के जो मटेरियल पीस हैं उन्हें अलग किया जाए और सिलेक्टेड साइज का ही मटेरियल आपस में मिलाकर वाटर की मदद से एक पाउडर स्लरी बना दी जाती है। फिर इसे सॉफ्ट और स्टिफ तरीके से पाउडर स्लरी को प्लास्टिक फॉर्मेशंस दे दी जाती है। जो प्लास्टिक फोम है हमारा सारा मोल्ड मटेरियल का उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है और प्रेस किया जाता है ताकि उसमें डिजायर्ड शेप दे दी जावे। अब मटेरियल में जो एक्सेस मॉइस्चर है और कुछ वोलेटाइल कंटेमिनेशंस है अवांछनीय जो वोलेटाइल मटेरियल्स हैं उन्हें बिस्क्यू फायरिंग से कम ताप पे हम कुछ समय के लिए इसे गर्म करते हैं और एक्सेस मॉइस्चर और वोलेटाइल कंटेमिनेशंस को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ग्लेजिंग की जाती है। ग्लेजिंग एक डेकोरेटिव ग्लास लेयर है जो इस सिरेमिक बॉडी पे शाइन देती है और इस पर वाटर डिपोजिशंस को रोकती है। पोर्सलिन से न केवल हम पिन और डिस्क इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं, डिस्क इंसुलेटर हाई वोल्टेज की प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन इंसुलेटर के तौर पर भी यूज होता है। GSS पे जो पोस्ट इंसुलेटर हम अलग अलग हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या ट्रांसफॉर्मर में जो बुशिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी पोर्सलिन से बनाई जाती है। जो पोर्सलिन की कंपोजिशन है उसमें एक कॉम्बिनेशन है, उसमें ग्लास जैसी लो पोरोसिटी है जो दूसरे डायलेक्टिक स्ट्रेंथ को कम करने वाले मॉइस्चर और दूसरे एलिमेंट्स का अब्सॉर्प्शन रोकेगी और इसमें क्ले की रिफ्रैक्टरी एबिलिटी है जो गर्म होने पर भी अपनी शेप को रिटेन रखती है। जो अंतिम मैन्युफैक्चरिंग फेज है प्रोसेसिंग का वो एक क्लिन में फायरिंग है। आमतौर पे शेप किए हुए प्रेस्ड कॉम्पैक्टेड इंसुलेटर को हम एक प्री हीटिंग जोन में भेजते हैं और किसी तय टेम्परेचर और समय पे प्री हीटिंग के बाद उसे सेंट्रल फायरिंग जोन में जहां हम 1200 डिग्री सेल्सियस जैसा विट्रिफिकेशन का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वहां भेजा जाता है और क्लिन से बाहर निकालने से पहले क्लिन के अंदर ही उसे कूलिंग जोन से गुजारा जाता है। इस तरह के क्लिन जिनमें प्री हीटिंग विट्रिफिकेशन और कूलिंग एक साथ होती है वो न केवल एनर्जी एफिशिएंट है ओवरऑल इकोनॉमिक भी होते हैं। क्लिन में जो सिरेमिक मटेरियल कंपोजिशंस हैं वो जब लिक्विड ग्लास बनाती हैं तो सारे जो क्रिस्टलाइन ग्रेन्स हैं अलग अलग मटेरियल्स के उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है और ये बॉन्डिंग सॉलिडिफिकेशन के दौरान जब हम कूलिंग करते हैं तो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। जो पोर्सलिन इंसुलेटर हम बनाते हैं वो पूरी तरह से साउंड होने चाहिए, यूनिफॉर्म ठोस प्रकृति होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से मुक्त होने चाहिए और पूरी तरह से विट्रीफाइड होने चाहिए। इनमें क्रैक बर्स दरारें उभार नहीं होने चाहिए और जो पूरा सरफेस है वो स्मूथली ग्लेज्ड होना चाहिए। अक्सर हम पावर सिस्टम कंपोनेंट के लिए ब्राउन ग्लेज को इस्तेमाल करते हैं। पोर्सलिन इंसुलेटर के पास पर्याप्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्योंकि इसे हार्श मैकेनिकल कंडीशंस में भी अपनी डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखना होता है। इसमें इलेक्ट्रिक पंक्चर के अगेंस्ट में बढ़िया रेजिस्टेंस होना चाहिए, यह आसानी से कम वोल्टेज पे अपनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेंटेन करना चाहिए और जो क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक के अटैक होते हैं उनसे भी सुरक्षित रहना चाहिए। हम हाई टेंशन 11 kV लाइन टू लाइन वोल्टेज वाली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में जो पिन इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं उनकी वोल्टेज रेटिंग हाईएस्ट वोल्टेज लाइन टू लाइन विद स्टैंड करने की कैपेसिटी 12 kV होती है और ये 50 Hz AC सप्लाई के लिए सुटेबल होते हैं। सभी पिन इंसुलेटर के ऊपर यहाँ एक ग्रुप बना हुआ होता है और इस ग्रुप में हम 20 mm स्क्वायर से लेके स्क्वायर जो सबसे छोटा हमारा मल्टी स्टैंड ACS
ISR कंडक्टर है उससे लेके 120 mm स्क्वायर तक के कंडक्टर्स को प्लेस कर सकते हैं, जो पिन और दूसरे स्ट्रक्चरल मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं जॉइंट्स और फास्टनिंग के लिए, वो सब बढ़िया तरीके से जिंक से गैल्वनाइज्ड होने चाहिए। सारे जॉइंट्स हैं वो एयर टाइट होने चाहिए। ये जो पिन है उसे सिंगल पीस में बनाना चाहिए, प्रिफरेबली इसे फोर्जिंग प्रोसेस से बनाना चाहिए, इसमें कोई जॉइंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। 11 kV HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए जो पिन इंसुलेटर होते हैं उनकी ज्योमेट्री यहाँ ड्रॉइंग में दिखाई हुई है। ये मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज लाइन टू लाइन 12 kV के लिए डिजाइन किए हुए होते हैं। इनमें लोड सहने की शक्ति 5 kN होती है। इनकी ओवरऑल हाइट 130 mm और जो सबसे दूरी पे जो डायमीटर है वो 120 mm है। जो ऊपर ग्रुप बनाया हुआ होता है उसकी डायमीटर 98 mm से 104 mm हो सकती है। बीच में जो नेक फॉर्मेशन होती है उसकी डायमीटर 73 mm में प्लस माइनस 3 mm हो सकती है। कंडक्टर और जो पिन हम इस्तेमाल करते हैं जो क्रॉस आर्म के साथ ग्राउंडेड होती है, उन दोनों के बीच में ये जो क्रीपेज डिस्टेंस है ये बहुत अच्छा 230 mm होता है। पावर फ्रीक्वेंसी की 1 मिनट तक वोल्टेज सहने की शक्ति ड्राई कंडीशंस में पिन इंसुलेटर की 45 kV है। यानी अगर हम 45 kV की 50 Hz पावर फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज लाइव कंडक्टर को देंगे तो ग्राउंडेड पिन और उसके बीच में वोल्टेज 1 मिनट तक बिना किसी लीकेज करंट बनाए विदस्टैंड होनी चाहिए। वेट कंडीशंस पे यही वोल्टेज लेवल 35 kV है। अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ा के 50 kV कर दे तब भी कंडक्टर और पिन के बीच में सरफेस के ऊपर फ्लैशओवर नहीं होना चाहिए। गीली कंडीशंस में फ्लैशओवर वोल्टेज का लेवल 40 kV होना चाहिए। कंडक्टर और पिन के बीच में मटेरियल के अंदर से थ्रो पंक्चर जो डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन के इंडिकेशंस हैं वो पंक्चर विद स्टैंड वोल्टेज 105 kV है, अर्थात 105 kV वोल्टेज लगाने पे भी पंक्चर नहीं होना चाहिए। पोर्सलिन पिन इंसुलेटर को टावर सपोर्ट पर लगी हुई क्रॉस आर्म से कनेक्ट करते समय एक सिंगल पीस फोर्जिंग से बनी हुई गैल्वनाइज्ड आयरन की पिन का इस्तेमाल करते हैं। इस पिन की स्टॉक लेंथ जो पिन इंसुलेटर के अंदर कनेक्शंस करती है, ये थ्रेड्स यहाँ लेड थिंबल्स के साथ एयर टाइट फासन हो जाते हैं। इस स्टॉक की लेंथ 165 mm होती है। कुछ हिस्सा तो यहाँ थ्रेड्स में आ जाएगा, बाकी जो हिस्सा है जब पिन इंसुलेटर क्रॉस आर्म्स पर अपनी पिन को प्लेस करेगा तो मेटल स्ट्रक्चर और पोर्सलिन के बीच में एयर गैप क्लियरेंस बनाएगा। जो शैंक लेंथ है जो नीचे क्रॉस आर्म से कनेक्ट करेगी वो 150 mm की है। यहाँ जो नीचे थ्रेड्स हैं वो क्रॉस आर्म्स के बीच के होल में से निकल जाएंगे और दूसरी तरफ एक प्लेन वॉशर के बाद स्प्रिंग वॉशर लगाकर हम हेक्सागोनल नट से इस पिन को क्रॉस आर्म से कनेक्ट कर लेंगे। ये जो हार्ड पिन है और पोर्सलिन है उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो तो हम लेड के थिम्बल के चारों तरफ यहाँ एक स्पेशल सीमेंट लगाते हैं ताकि टेम्परेचर वेरिएशन और मैकेनिकल वर्किंग के दौरान पोर्सलिन में किसी भी प्रकार के क्रैक्स डेवलप ना हो। सीमेंट के ऊपर एक बिटुमन कोटिंग भी लगाई जाती है। ये बिटुमन कोटिंग थर्मल एक्सपेंशंस के दौरान जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उन्हें अब्सॉर्ब करने का काम करती है और पोर्सलिन स्ट्रक्चर में क्रैक्स वगैरह होने नहीं देती है। पिन इंसुलेटर पर लगी हुई मेटल पिन को क्रॉस आर्म्स के ऊपर बनाए गए होल में से इंसर्ट करके हेक्सागोनल नट से अटैच कर दिया जाता है और क्रॉस आर्म्स टावर के पोल स्ट्रक्चर के साथ अर्थड है, ग्राउंड पोटेंशियल पर आ जाएगी और ऊपर यहाँ जो ग्रूव बना हुआ है उसमें रखे हुए कंडक्टर और अर्थ पिन के बीच में पोर्सलिन इंसुलेशन का काम करेगी। अब किसी भी तरह की एक्सटर्नल कंडीशंस हो, इवन हमारी पिन में बेंडिंग्स भी आ जाएगी, तब भी कंडक्टर टावर के साथ एक सिक्योर और स्टेबल अटैचमेंट बनाए रखेगा क्योंकि कंडक्टर को हमने ऊपर ग्रूव में फिक्स किया हुआ है, पिन यहाँ क्रॉस आर्म्स पे फिक्स हो गई है तो पिन इंसुलेटर कंडक्टर को क्रॉस आर्म्स के साथ पोल सपोर्ट पर टिकाए हुए रखेगा। चाहे पिन इंसुलेटर टेढ़ा भी क्यों ना हो जाए कंडक्टर की पोजीशन है वो सिक्योर और स्टेबल बनी रहेगी। ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को पिन इंसुलेटर के टॉप में बने हुए ग्रुप में प्लेस करके एक सॉफ्ट एनील्ड एल्युमिनियम वायर से अच्छी तरह से कसकर टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कंडक्टर की पोजीशन इस ग्रुप में पिन इंसुलेटर के ऊपर इंटैक्ट बनी रहेगी और लाइव कंडीशंस में कंडक्टर और ग्राउंडेड क्रॉस आर्म्स के
बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको विदस्टैंड पिन इंसुलेटर का ये पोर्सलिन डायलैक्टिक मीडियम है वो करता है। पिन इंसुलेटर की जो आउटर शेप है वो आंखों को बहाने वाली आइकोनिक अम्ब्रेला लाइक शेप है जिसमें पेटीकोट्स की डिजाइन है, और ऐसी स्थिति में जब आउटर सरफेस रेन कंडीशन में वेट भी होगा तो ये रेन शेड्स एक अम्ब्रेला का काम करेंगे, और ऊपर का ये जो पेटीकोट है वो नीचे के पार्ट्स को और इनर पार्ट्स को ड्राई कंडीशंस पे मेंटेन रखेगा जिससे रेनी कंडीशंस में भी कंडक्टर और पिन के बीच में जो सरफेस पे फ्लैश ओवर के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। पिन इंसुलेटर की मेरिट्स और एडवांटेजेस को समझते हैं। इनकी लागतें काफी कम है, इनमें बहुत अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, डिजाइन बहुत सिंपल है, और कंडक्टर और ग्राउंडेड क्रॉस आर्म्स के बीच में क्रीपेज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इनकी मेंटेनेंस आसान है, लगाना आसान है, बदलना आसान है, और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगुलर किसी भी पोजीशंस पे कंडक्टर और क्रॉस आर्म्स के बीच में एक स्टेबल सिक्योर्ड पोजीशनिंग बना सकते हैं। जब पिन इंसुलेटर पे कंडक्टर ऊपर रखा जाता है तो ग्राउंड और कंडक्टर के बीच में जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्लियरेंस है अलग अलग सैक कंडीशंस पर भी, उसे प्राप्त करने के लिए हमें पोल की ओवरऑल हाइट ज्यादा नहीं चाहिएगी। सिर्फ 8 मीटर के पोल भी हमें किसी भी सैक कंडीशंस पे रिक्वायर्ड ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कर देंगे। अगर पिन इंसुलेटर के पोर्सेलिन डायलैक्टिक मीडियम में ब्रेकडाउन हो जाए और लाइव कंडक्टर और अर्थ मेटल पिन के बीच में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाए तो इसे हम पिन इंसुलेटर का पंक्चर बोलते हैं। पिन इंसुलेटर के डिजाइन में हम पोर्सेलिन की पर्याप्त थिकनेस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हायर पंक्चर वोल्टेज एंश्योर कर सकें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डिफेक्ट होने से यहाँ वॉइड फॉर्मेशन में वॉइड में मॉइस्चर और दूसरे डायलैक्टिक स्ट्रेंथ को कम करने वाली प्रॉपर्टीज आ जाए। मैकेनिकल और वेदरिंग कंडीशन से अगर डायलैक्टिक मीडियम में क्रैक्स आ जाएं तो पंक्चर की स्थितियां ओवर वोल्टेजेज की कंडीशंस पे हो सकती हैं। एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आर्क का पिन इंसुलेटर के सरफेस पे लाइव कंडक्टर और ग्राउंडेड पिन के बीच में पैदा हो जाना फ्लैश ओवर है। फ्लैश ओवर लाइन में ट्रांजियंट ओवर वोल्टेज आने की कंडीशंस पे, जिन्हें हम लाइन में सर्ज आना भी कहते हैं, या रेन के समय में जब सतह गीली होकर कंडक्टिव हो जाती है तो उन स्थितियों में फ्लैश ओवर हो सकता है। एक फ्लैश ओवर का होना पिन इंसुलेटर के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज का फ्लैश सर्ज जब डेसिपेट हो जाएगा ग्राउंड, नॉर्मल वोल्टेजेस की कंडीशंस आ जाएंगी तो हमारा जो पिन इंसुलेटर का डायलैक्टिक मीडियम है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज रिटेन कर लेगा और किसी भी लीकेज करंट को रोक देगा। हाई टेंशन के सभी प्रकार के इंसुलेशंस के लिए हम एक सेफ्टी फैक्टर डिफाइन करते हैं जो एक रेशो है पंक्चर वोल्टेज स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर वोल्टेज लिमिट का। अगर हम एक पिन इंसुलेटर की वेट कंडीशन में फ्लैश ओवर वोल्टेज देखें और पंक्चर विदस्टैंड वोल्टेज देखें तो ये रेशो 3 के आसपास मिलता है। कुछ सबस्टेशंस पे ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पोस्ट इंसुलेटर होते हैं, उनमें सेफ्टी फैक्टर 10 के आसपास भी डिजाइन किया जाता है ताकि उनमें फ्लैश ओवर भले ही हो जाए लेकिन पंक्चर किसी भी कंडीशन पे ना हो। पोर्सेलिन के डिस्क आकृति के जो डिस्क इंसुलेटर हैं इनका अधिकांशतः हम उपयोग 33 केवी से ऊपर की ट्रांसमिशन लाइन में एक सस्पेंशन स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग इंसुलेटर के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन हम हाई टेंशन की 11 केवी लाइंस में इस तरह के पोर्सेलिन डिस्क इंसुलेटर्स को टावर से नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल एक्सेस पोजीशन में ट्रांसमिशन लाइन के जो टर्मिनल्स हैं स्टार्ट या एंड पोजीशंस जहां हमारी लाइनें एंड होती हैं या शुरू होती हैं वहां, या किसी 15 डिग्री से ज्यादा एंगल पे लाइन में कोई शार्प टर्न और डेविएशन है तो डेविएशन पोल्स पर इस्तेमाल करते हैं। एक एचटी लाइन के स्टार्ट और डेड एंड टर्मिनल्स पे हम एक एच पोल डबल पोल सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाकर हॉरिजॉन्टल फ्लैट एमएस चैनल की 2.1 मीटर लंबी क्रॉसबार्स लगा के 3 डिस्क इंसुलेटर को स्ट्रेन इंसुलेटर के तौर पे लाइन टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां 15 डिग्री से ज्यादा लाइन में बेंड हो, डेविएशन हो, वहां पर हम सिंगल या डबल पोल पे इस तरह से 2 डिस्क इंसुलेटर स्ट्रेन इंसुलेटर के तौर पे लाइन के दोनों एंड को आपस में एक जम्पर से इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ इंसुलेटर की जो पोजीशंस है उसको प्लान देखें तो देखेंगे कि ये दोनों जो इंसुलेटर हैं वो अलग अलग एंगल पोजीशन पे जो ट्रांसमिशन लाइन में बैंड आया है उनके मैकेनिकल फोर्सेस को पोल पर विदस्टैंड करेंगे, और इसके लिए हम एक बढ़िया गाई सपोर्ट भी इस पोल के साथ यहाँ अटैच करेंगे ताकि मैकेनिकल फोर्सेस का बैलेंस इंसुलेशन की इस पोजीशन पे मेंटेन हो सके। एक स्ट्रेट रन ट्रांसमिशन लाइन
में लाइन कंडक्टर के टूटने से जो अनबैलेंस मैकेनिकल पुल्स डेवलप होते हैं पोल स्ट्रक्चर पे, वो पोल स्ट्रक्चर को टेढ़ा कर देते हैं। तो उन कंडीशंस में एक स्ट्रेट रन ट्रांसमिशन लाइन में भी इंटरमीडिएट एंकरिंग सपोर्ट्स डबल पोल एच स्ट्रक्चर में हम इस्तेमाल करते हैं, और उन पोल स्ट्रक्चर्स पे फ्लैट क्रॉस बार्स के साथ हम डिस्क स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे एंकरिंग पोल एचटे लाइंस में 1 किलोमीटर के स्पान पर, अगर मेरी लाइन 3 किलोमीटर लंबी है तो बीच में 3 इस तरह के एंकरिंग सपोर्ट टावर्स लगाए जाएंगे। कभी हमें रिवर की क्रॉसिंग करनी होती है तो हमारी लाइन का स्पान थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ऐसी स्थिति में इंसुलेशन पे ज्यादा स्ट्रेसेस आ सकती है, तो सिंपल प्लेन पिन इंसुलेटर की बजाय हम डिस्क टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। टावर की पोजिशन से नॉर्मल लगाए हुए डिस्क इंसुलेटर स्ट्रेन इंसुलेटर की भांति इस्तेमाल होते हैं। इनमें बहुत अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और स्ट्रेस होने पे भी मैकेनिकल ये अपनी नेसेसरी जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं उन्हें मेंटेन कर लेते हैं। जब हमें लाइन का पुल बहुत ज्यादा हो, जब कोई रिवर क्रॉसिंग जैसा लंबा स्पान हो, टावर पे टेंसाइल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो, अकेले डिस्क स्ट्रेन इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनफ नहीं हो, तो हम एक से ज्यादा स्ट्रेन इंसुलेटर को पैरेलल में लगा के भी लाइन कंडक्टर को पोल स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको पोर्सेलिन की कंपोजिशन, प्रोसेसिंग और प्रॉपर्टीज के साथ साथ 11 kV HT लाइन पर हम जो पिन इंसुलेटर और डिस्क टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी GSS और इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव होगी। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट से भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ और फील्ड और परीक्षाओं में परफॉर्मेंस सुधरेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। Have nice time, फिर मिलेंगे इतनी ही खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ।